एक सारे मेरे रिश्तेदार हैं। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना रणहुंकार जय श्रीराम स्लोगान दे कले प्रचार आरंभ। कांग्रेस को कले टार्गेट कहले राहुल गांधी शक्ति विरोधी। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूं। इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की। किसी दिन तले 2024 लोकसभा निर्वाचन पाई बीजेपी 111 जन प्रार्थी को पंचम तालिका प्रकाश करितला। इस तालिका रे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत को निर्वाचन लड़ीबा पाई मध्य टिकट दिया जायतिला। अभिनेत्री को हिमाचल प्रदेश रो मंडी रु निर्वाचन लड़ीबा नै टिकट मिलबा परे एबे से प्रचार जोरदार करिछथि। आपको पता है कि ये जो सौभाग्य मुझे मिला है ये आप सबके आशीर्वाद से ही मिला है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये बात मुझे लोकसभा में खड़े करने की जो बात है ये बहुत पहले से चली आ रही है। जब मेरी नड्डा जी से मीटिंग हुई तो मैंने उनको एक ही बात कही कि नड्डा जी मैं बहुत ही छोटी हूँ आपके सामने, हर तरह से छोटी हूँ मैं आपके सामने, और जहां से मुझे पार्टी बोलेगी मैं वहां से खड़ी हो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मुझे मेरे दिल की बात पूछें तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूं कि अगर मुझे किसी की सेवा में लगाना है तो मुझे मंडी की सेवा में लगाइए। कंगना आज मंडी में रोड शो कर अभिनेत्री को रोड शो हजार हजार लोक जोग देता बेले जय श्रीराम स्लोगान दे प्रचार आरंभ करते। कंगना निर्वाचन जीतने लोकों सेवे निजक नियोजित करे कंगना कहते से कहते मोते हीरोइन बा स्टार भावंतु ना मोते निजर भौणी और झीओ बोली भावंतु आपण माने मो परिवार। वो तो पहले ना वो तो इतना मैं तो यही बोलती हूँ कि उनके घर में भी बेटियाँ हैं, बहू हैं, खुद लेडीज हैं, हर ये सब कुछ है। तो अगर वो ये बातें करे तो वो ये सोच ले कि अगर उनके बच्चों को ऐसा कहे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो आज मेरे दिल में है। बस उसको ये समझ लेना कि अगर उसकी बेटी को कोई ऐसा कहेगा ना शब्द बोलेगा जो इतनी पूरी सेलिब्रिटी है, पूरा वर्ल्ड जानता है, हैं सब लोग जानते हैं, और जो इसके लिए इतना गंदा बोलती है ना तो वो पहले ये सोच ले कि अगर उसकी बेटी को कोई ऐसा बोले तो उसके मन में जो दुख तकलीफ वेदना होगी वो ही आज मेरे मन में है। तबे कंगना आज प्रचार बेले पूर्वतन कांग्रेस सभापति राहुल गांधी का शक्ति बयान को नहीं रखी प्रतिक्रिया। से कहते राहुल है शक्ति विरोधी, से ही एभली आधारहीन बयानबाजी करें। देखिए उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूं। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? तो ये बहुत ही एक हर्ट करने वाली बातें हैं। और हम लोग जो हैं अब मैं चाहती हूं कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। मंडी लोकसभा आसन बीजेपी द्वारा टिकट दिया जाता बेले कंगना रणावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा को कृतज्ञता जनाई एवं कहते जे मोर माटी मत डाकी एवं मोर माटी रो सेवा करिवारो सुजोग पाई एथिपाई धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।